ओम नमो नारायण। कल दोपहर से आप लोग देख रहे होंगे, एक सोशल मीडिया पे बहुत ही वायरल ये चल रहा है और अब तो न्यूज़ में भी आना शुरू हो गया है कि दो साधुओं को और उनके ड्राइवर को जनता ने, भीड़ ने पीट पीट के मार दिया। और बड़ा ही दुख हुआ ये देख के कि कैसे एक बुजुर्ग साधु को आपने ऐसे मार रहे हो, जानवरों की तरह मार रहे हो। आप बिल्कुल भी दया भाव नहीं दिखा रहे हो, आप बिल्कुल भी आप ये नहीं सोच रहे हो कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। कानून का डर आपकी बिल्कुल दिल से ख़त्म हो गया है, बहुत ही गलत है। और लेकिन आश्चर्य नहीं हुआ ये सब देख के, कुछ ऐसा नहीं हुआ कि अरे बड़ा इतने सालों बाद ये हो गया, क्योंकि ये बड़ा रेगुलर हो गया। हर 2-4-5 दिन में हम लोग कोई ना कोई ऐसी खबर देख लेते हैं जिसमें आप देखते हैं कि लोगों ने पत्थर उठा लिया और मेडिकल टीम को मार रहे हैं, पुलिस को मार रहे हैं, चाहे वो यूपी हो, एमपी हो, बिहार हो या उत्तराखंड हो, तो कोई ना कोई ऐसी खबर आ ही जाती है। और पुलिस बड़ा ही अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही है, क्योंकि जहाँ भी ये सब हुआ है वहाँ पे हमने देखा किसी की जान नहीं गई है, पुलिस ने उनको सेफ लेके आई है, पुलिस ने अपना काम किया है। जितने भी वहाँ पे पुलिस वाले 3-4 होते हैं, वो उन्होंने अपना अपना काम किया है, बहुत अच्छे से किया है। और इससे भी अगर हम पहले की बात करें, तो जब दिल्ली में जब सीए के अगेंस्ट चल रहा था और जो शाहरुख गोलियां चला रहा था, तो एक पुलिस वाला जाके वहां खड़ा हो गया था उसके सामने और उसने उसको रोक दिया था। तो ये बड़ा ही एक हिम्मत वाला काम था जो उस पुलिस वाले ने किया, लेकिन वो हिम्मत वो 3-4 पुलिस वाले नहीं दिखा पाए उस वक्त जब साधु को लोगों ने मारा, और दिखानी चाहिए थी। तो मेरा मानना यह है कि सबसे बड़ी जो गलती वहां पे हुई है वो उन 3-4 पुलिस वालों से हुई है, और नहीं होना चाहिए था। और उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन पुलिस वालों पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आपका ही काम है, आपका ही काम है प्रोटेक्शन देना, डिफेंड करना, भीड़ को काबू करना, ये सब आपका ही काम है, आप ट्रेंड हो उसके लिए। लेकिन अगर आप उस वक्त ऑन द स्पॉट कोई ऐसा डिसीजन ना लेके कुछ ऐसा डिसीजन ले लेते हो कि हमको अपनी जान बचानी है और साधु को मरने देना है, तो दैट्स सैड, दैट्स सैड। एक तरफ हम देखते हैं कि यूपी में पुलिस इतना बढ़िया काम कर रही है, एमपी में, राजस्थान में, या पूरे देश में इतना बढ़िया काम हो रहा है, और पुलिस वालों के ऊपर फूल बरसा रहे हैं लोग, उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं उनके काम के लिए, और जो कि होना भी चाहिए और बहुत अच्छा काम है और बहुत बढ़िया कर रही है पुलिस, और ऐसे ही करते रहना चाहिए। लेकिन फिर मैं उन 3-4 पुलिस वालों की तरफ देखता हूँ तो बड़ा ही अफसोस होता है कि आप उस वक्त वहाँ क्या कर रहे थे। आपसे जब तक आप नहीं थे, कम से कम वो जिंदा था, एक घर के अंदर छुपा हुआ था, और उस घर वाल जहाँ भी वो छुपा था कुछ लोगों ने उनकी प्रोटेक्शन की होगी, तभी वो जिंदा थे। लेकिन जैसे ही आप लोग पहुंचे, आपने तो वो साधु आपका हाथ पकड़ के जा रहा, आपने उसे दूर तक खेल दिया कि जा। ये बहुत गलत किया। आई नो ऑप्शंस आपके पास उस वक्त भी होंगे कि आपको कैसे जान बचानी है, लेकिन आपने वो फैसला नहीं लिया और आपने वो किया। पता नहीं आप क्या अपने घर जाके दिखाओगे, अपने बच्चों को क्या बताओगे, अपनी बीवी को क्या बताओगे, कौन से बहादुरी किससे सुनाओगे कि जी ऐसे हमारे सामने 3 लोगों को भीड़ ने मार दिया और हम लोग बस वहां खड़े हुए थे। और दूसरा, मैं प्रेस से ये पूछना चाहता हूं कि 16 तारीख को ये सब कुछ हुआ और एक भी किसी भी मीडिया ने इसको कवर नहीं किया। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोगों को नहीं पता हो, लेकिन क्यों नहीं किया समझ नहीं आया। अब सबके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज बन गई है। फिर वहां पॉलिटिकल पार्टीज की भी अगर मैं बात करूं तो उन्हें भी ये सब पता ही होगा कि 16 तारीख को ये सब कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी किसी ने कोई इस पे अभी तक कमेंट नहीं किया है। किसी ने, बड़े बड़े नेता हैं हमारे देश के, उन्होंने अभी तक कोई इस पे कमेंट नहीं किया है कि क्या हुआ है और इस पे क्या एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, आपने लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये गिरफ्तारी इज नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन ये है कि पुलिस को अपना काम वहां पे करना चाहिए था, और ये सिर्फ उन 3-4 पुलिस वालों की ही गलती है, बाकी पुलिस फोर्स की कोई गलती नहीं है। क्योंकि जो ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना होता है वो उस इंसान को लेना होता है जो वहां होता है, और जब आपने पुलिस फोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको इस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने कैसे भीड़ से बचाना है, किसी को, क्रिमिनल को कैसे बचाना, और बचाते आए हो आप लोग। जब भी आप कोई क्रिमिनल आपके हाथ में आता है, आप उसको, उसका मुंह ढक के आप उसको कोर्ट लेके जाते हो, सबसे बचाते हुए लेके जाते हो, क्योंकि उसकी जान, उसकी भी लाइफ की वैल्यू है। लेकिन वो सब यहां नहीं हुआ, तो गलती मैं उन्हीं की मानूंगा सबसे बड़ी। और दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि अब इस पर पॉलिटिक्स होगी, लेकिन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटिक्स के लायक मुद्दा नहीं है। और बाकी मैं समाज से ये कहना चाहूँगा कि अपना धैर्य बनाए रखें, क्योंकि अब इसके अगेंस्ट में कुछ आप करेंगे तो वो भी अच्छा नहीं है इस देश के लिए,
क्योंकि जिस डायरेक्शन में ये कंट्री जा रही है वो भी कोई बहुत बढ़िया डायरेक्शन नहीं है। ऐसे लोग कानून अपने हाथ में लेने शुरू कर देंगे तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा ऐसी जगह पे रहना जहाँ पे जिसका मन करेगा पत्थर उठा के जिसको मन करेगा उसको मार देगा। दैट्स नॉट अ गुड साइन फॉर एनी कंट्री, और ये बहुत गलत है। और बाकी आम जो लोग हैं जो मेरे जैसे हैं जो अपने घरों में हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ थोड़ी सी दया भाव अपने दिल के अंदर लाइए, प्लीज़ बी काइंड, प्लीज़ बी ह्यूमन। आप लोग ऐसे नहीं कर सकते हो कि आप किसी को भी उठा के और डंडे उठाओ और पत्थर उठाओ और मार दो। कम से कम दया भाव तो आपके अंदर होना चाहिए। अगर क्या बोलोगे आप अपने घर पे जाके अपनी बीवियों को अपने बच्चों को कि आज हमने किसी एक बुजुर्ग साधु को डंडों से मार मार के मार दिया, और क्या मतलब बच्चे आपके बड़े खुश हो जाएंगे सुन के कि वाह पापा ने आज बड़ा बहादुरी का काम किया। नहीं, क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो आप अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो? बहुत ही गलत हुआ है और नहीं होना चाहिए था, और उन तीन चार पुलिस वालों पे इसकी कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। बाकी पुलिस जो कर रही है मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि इतना अच्छा काम कर रही है और ये पूरा लॉकडाउन फॉलो हो रहा है, और जहाँ भी ऐसी कोई घटना होती है वहाँ पुलिस पूरी सक्रिय पूरे ईमानदारी से अपना काम करती है, उन्हें ज़िंदा बचा के लाती है, और यही पुलिस का काम है और यही हम चाहते हैं कि पुलिस करती रहे। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी सब जितने भी लोग हैं कि प्लीज़ थोड़ी सी दया भाव अपने मन के अंदर लाइए, प्लीज़ बी काइंड, प्लीज़ बी काइंड टू अदर ह्यूमन्स। ओम नमो नारायण।